नमस्कार, मैं सुशील पाल, एनपीटीवी इंडिया के फेसबुक लाइव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी तक के जो चुनावी नतीजे आए हैं उनका कुछ विश्लेषण हम लोग कर रहे थे ऑफिस में बैठ के, और उसके बाद बहुत महत्वपूर्ण बात निकल के आई है कि 18 दिसंबर देश की सियासत के लिए बेहद अहम दिन है, और गुजरात और हिमाचल के सियासी रिजल्ट का असर देश की राजनीति पर सीधा असर डालेगा। गुजरात की गद्दी छोड़ दिल्ली पहुंचे पीएम मोदी के लिए जहां गुजरात सीधे प्रतिष्ठा से जुड़ा है, तो वहीं कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी के लिए ये किसी परीक्षा से कम नहीं है। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी के नाम पर एक बार फिर से बीजेपी ने किला फतेह कर लिया है। 22 सालों से गुजरात की सत्ता में काबिज बीजेपी के लिए आज चुनावी नतीजे एक बार फिर से खुशियां लेकर आए। गुजरात में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी दोबारा सरकार बनाती दिख रही है। मतगणना के रुझानों में भाजपा 182 में से 100 से अधिक सीटों पर बढ़त बनाए हुए। पूरे गुजरात में झंडे गाड़ रही बीजेपी की एक खास सीट है जिसके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है, और बेहद अहम सीट है ये। हम बात कर रहे हैं गुजरात की मणिनगर सीट की। ये वही सीट है जिस सीट पर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने से पहले चुनाव लड़ा करते थे। पीएम नरेंद्र मोदी के इस सीट को छोड़ने के बाद इस विधानसभा की जनता का प्यार उनके लिए कम नहीं हुआ। मणिनगर की जनता ने सीट से बीजेपी के उम्मीदवार पटेल सुरेश भाई धनजीबाई को 75,199 के विशाल वोटों से विजय बना दिया है। पटेल सुरेश भाई धनजीबाई ने इस सीट से कांग्रेस के युवा नेता ब्रह्मभट्ट श्वेताबेन नरेंद्र भाई को हराया है। पटेल सुरेश भाई धनजीबाई को इस सीट के लिए कुल 1,16,000 से अधिक वोट मिले, जबकि हारने वाली कांग्रेस उम्मीदवार को कुल 40,914 वोट मिले। गुजरात के शहरी इलाकों में बीजेपी को शानदार बढ़त मिली है। सूरत जो जगह है वो व्यापारियों का गढ़ है। सूरत की बात करें तो इसके शहरी इलाकों में कुल 12 सीट और आसपास के छोटे जो इलाके हैं उनको मिला दें तो कुल 16 सीटें। व्यापारियों के शहर सूरत में नोटबंदी और जीएसटी सबसे बड़ा मुद्दा बताया जा रहा था, लेकिन ये मुद्दे नतीजों में बेअसर साबित हुए। गुजरात के नतीजों का अगर देखा जाए तो साफ पता चलता है कि गुजरात में जीएसटी और नोटबंदी कोई मुद्दा ही नहीं था। सूरत पाटीदार आंदोलन का भी खास गढ़ रहा है। यहां कांग्रेस के लिए पटेल फैक्टर ने कोई काम ही नहीं किया है। इसकी खास वजह यह भी मान सकते हैं कि हार्दिक पटेल का राजनीति में आ जाना। आंदोलन के दौरान समुदाय ने हार्दिक को बहुत पसंद किया, उनका साथ भी दिया, लेकिन जब उन्हें लगा कि पाटीदार समुदाय की बात करते करते हार्दिक राजनीति में जा रहे हैं तो पटेलों ने उन्हें खारिज कर दिया। चुनावी नतीजे आ रहे हैं, बीजेपी की सरकार गुजरात और हिमाचल में बन रही है, और विश्लेषण हम लगातार करेंगे क्योंकि चुनाव आयोग से हम आंकड़े निकाल रहे हैं। उसके बाद और विश्लेषण करने के बाद में हम लगातार आपको ऐसे विश्लेषण बताते रहेंगे जो आपके लिए बहुत जरूरी है जानना। धन्यवाद।